गुम है किसी के प्यार में शो को एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा छोड़ चुकी हैं और अब एग्जिट लेते ही एक्ट्रेस ने नए शो को भी साइन कर लिया है। ये शो है कलर्स टीवी पर जल्द ही खतरनाक स्टंट्स और टास्क को लेकर आने वाला शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13। जी हाँ, ऐश्वर्या शर्मा भी रोहित शेट्टी होस्टेड इस शो में खतरों से खेलती नजर आएंगी। वहीं टीवी की पाखी ने इस बात का खुलासा भी किया कि आखिर उन्होंने गुम है शो को छोड़कर इस रियलिटी शो को साइन करने का फैसला क्यों किया है। दरअसल जैसे ही ये खबर वायरल हुई कि ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी 13 में नजर आने वाली हैं, तो ऐश्वर्या ने भी सामने आकर इन तमाम खबरों पर मोहर लगा दी। ऐश्वर्या शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें हमेशा से ही एक्शन काफी पसंद है, वे एक्शन फिल्मों की काफी फैन रही हैं और अब उन्हें असल जिंदगी में एक्शन करने का मौका मिला है, ठीक उसी तरह जैसे उनके फेवरेट एक्शन हीरो करते हैं। वहीं ऐश्वर्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताया कि ये शो उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐश्वर्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शो के प्रति अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की और कहा, खतरों के खिलाड़ी 13 में भाग लेना केवल साहसी स्टंट करने के बारे में नहीं है, यह आपके डर का सामना करने और खुद को अपनी सीमा तक धकेलने के बारे में है। एक एक्टर के रूप में मैं कैमरे के सामने परफॉर्म करने की आदि हूँ, लेकिन ये शो पूरी तरह से अलग है। इसके लिए ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत है और मैं अपनी सीमाओं का टेस्ट देने और ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मैं असल में क्या करने में सक्षम हूँ और क्या नहीं। वह अगले 2 से 3 महीने ऐश्वर्या इसी शो के साथ बिजी रहेंगी। ऐश्वर्या को पहली बार एक ऐसे शो में देखा जाएगा जहाँ वो जाबाज की तरह स्टंट्स करती नजर आएंगी। ऐसे में देखने वाली बात ये भी है कि ऐश्वर्या की रोहित शेट्टी के शो में जर्नी कैसी होगी और क्या वो दूसरे तमाम कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ पाएंगी।